ऊंची दुकान फीके पकवान, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको आगे चलकर पता चलेगा। खैर मेरा नाम तुसी पूछ के हम लेने हैं। चलते हैं विलोक की जानिब। हम सब दोस्तों का प्लान बना, आज हम बिल्ले का डेरा ट्राई करेंगे। तो निकाली अपनी बाइक्स और चल पड़े मंजिले मकसूद की जानिब। रात बारिश हुई थी और इसलिए कहीं कहीं पानी भी मौजूद था, लेकिन जहां पर भी पानी आता था शेख साहब अपनी टांगे ऐसे उठा लेते थे। खैर इन्हीं कुछ व्यूज के साथ हम पहुंच गए बिल्ले दा डेरा। जैसे ही पहुंचे एक वेटर ने हमें वेलकम किया और इजाज़ साहब उसके साथ ऐसे चल पड़े जैसे यहाँ रोज का आना जाना है इनका। खैर इनके एम्बियंस की बात करें तो भाई बिल्कुल सिंपल सी सिटिंग थी, कोई इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं थी। खैर हमने यहाँ पर अपना मेन्यू डिसाइड किया, हमने यहाँ पर ऑर्डर किया मटन अफगान कढ़ाई और मटन सुलेमानी कढ़ाई, और इसके साथ हमने पिज़्ज़ा कबाब और चिकन रेशमी कबाब बोटी भी ऑर्डर की थी। अब इनका टेस्ट कैसा है ये मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। खैर जब तक हमारा ऑर्डर रेडी होता हम इनकी बाहर की सिटिंग विजिट करने चले गए, जहाँ पर कुछ माहौल ऐसा था हर तरफ पानी ही पानी था। यहाँ पर हमने एक दो टिकटॉक शूट की, इसके बाद हमें वेटर ने आवाज़ दे दी कि आपका ऑर्डर रेडी हो चुका है। हमने यहाँ पर सबसे पहले ट्राई की मटन अफगान कढ़ाई, जो कि टेस्ट में अगर मैं बात करूँ तो 8 out of 10 थी। मुझे कोई इतनी ज़्यादा मज़ेदार नहीं लगी है। अगर हम प्राइस देखें तो 3400 की थी, थोड़ी सी कॉस्टली थी। इसके बाद हमने सुलेमानी कढ़ाई ट्राई की, ये उससे भी गई गुजरी थी यार, इसका टेस्ट किसी को भी पसंद नहीं आया। इसके बाद हमने इनका पिज़्ज़ा बोटी ट्राई की है और रेशमी कबाब, जो कि ठंडे हो चुके थे। हमने दोबारा इनको कहा कि आप इनको गर्म करके लेके आएँ। जब तक हमारे कबाब और बोटी गर्म होकर आती तब तक हमारी रेस लग गई कि इस हड्डी से गुदा कौन निकालेगा। सबसे पहले इजाज़ साहब ने ट्राई की, कुछ ना बन सका। उसके बाद शेख साहब ने भी अपना जोर लगाया, कुछ ना हो सका। उसके बाद ईशान साहब ने अपना जोश दिखाया, इनसे भी कुछ ना हुआ। तो एंड में इस 30 मार खान ने एक नई ट्रिक लगाई, लेकिन हुआ इससे भी कुछ नहीं। खैर इसके साथ ही हमारे कबाब जो हैं वो दोबारा रेडी होके आगे गर्म थे। लेकिन यहाँ पर इनकी टेस्ट की बात करूँ तो भाई बोटी के ऊपर चीज़ लगा देने से इन्होंने पिज़्ज़ा बोटी का नाम दे दिया था, लेकिन मुझे कोई इतना ज़्यादा टेस्टी ये नहीं लगे थे। और ये यही वजह है कि किसी ने इतने कुछ ज़्यादा खाए नहीं, लेकिन शेख साहब ने कहा पैसे दिए हैं तो ज़ाया नहीं करने, इसलिए हमने 2 कबाब और 1 बोटी पार्सल करवा ली। अब जहाँ तक बिल की बात है तो हमारा 5 लोगों का बिल बना था यहाँ पर 13,000। जी हाँ दोस्तों, 13,000 में हम 5 लोगों ने यहाँ पर खाना खाया, लेकिन कोई एक भी ऐसा इंसान नहीं जो ये कह रहा हो कि हमने 13,000 भाई किसी अच्छे खाने पे लगाए हैं। इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग यहाँ पर खाना खाने आ रहे हैं तो ज़रा सोच के आइएगा, ऊंची दुकान फीके पकवान। जैसे ही हम यहाँ पर निकले तो मेरे साथ एक और हाथ हो गया भाई, मेरे ऊपर कौवे ने पोटी कर दी, जो मेरे दोस्तों ने साफ तो की लेकिन नहीं हो सकी। इसके बाद दोबारा हम इनके वॉशरूम में आए और यहाँ पर दोबारा से इसे क्लीन किया। खैर इसके बाद अपने घर का रास्ता नापा और दोबारा वहाँ जाने से तौबा कर ली।